बल कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर की अगुवाई में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के संदर्भ में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को एसडीएम बल डॉक्टर आशीष शर्मा के माध्यम से भेजा गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर ने कहा कि सर्वव्यापी महामारी कोविड-19 से जूझ रहे भारत देश की जनता को केंद्र सरकार ने ऐसे संकट काल में महंगाई की ऐसी मार दी है जिसके कारण देश व प्रदेश की जनता बुरी तरह से त्रस्त है। बहुत ही दुख की बात है कि जिस समय लोगों के कारोबार ठप पड़े हैं और बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक है, उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं और ये जानते हुए कि आज के समय में कोई वाहनों का इस्तेमाल घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि केवल आवश्यक सेवाओं के लिए या रोगियों को अस्पताल ले जाने के लिए किया जा रहा है, ऐसे समय में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी साफ साफ सरकार की क्रूरता को दर्शाता है। कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त बयान दिया कि भारत के इतिहास में पहली बार डीजल का दाम पेट्रोल से भी ज्यादा किया गया। ये साफ साफ दर्शाता है कि किस तरह गरीब लोगों पर और मध्य वर्ग के लोगों पर सरकार अत्याचार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इस फरेबी सरकार ने जो कहती थी बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब खुद देखिए अत्याचारी मोदी सरकार कैसा हुआ देश का हाल। जिस समय ये जनता को इस तरह से गुमराह करके कांग्रेस के खिलाफ भड़का रहे थे, उस समय कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में ऊंचाइयां छू रहा था और पेट्रोल पर टैक्स 9.48 रुपए प्रति लीटर था और डीजल पर 3.56 रुपए था, जो कि आज बढ़कर 49 रुपए से भी ज्यादा हो गया है। केवल पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर ही मोदी सरकार ने गत 6 वर्षों में 18 लाख करोड़ की कमाई की है। तो इस तरह भाजपा सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात करके दोनों हाथों से पैसा बटोरना और गरीबों पर अत्याचार करना चाहा है और निरंतर किया है। बल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष केंद्र सरकार की नापाक नीतियों और गरीब जनता पर हो रहे जुल्म की निंदा करते हुए सभी गलत फैसले वापस लेने की मांग की है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं कुलदीप ठाकुर जी, उनके अगुवाई में हमने एक जो पेट्रोल डीजल जो केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा है बार बार, उसके लिए हमने एक ज्ञापन एसडीएम बल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी को भेजा है और जिसमें हमने केंद्र सरकार द्वारा जो ये महंगाई की जो मार इतनी कोरोना काल में दी जा रही है उसको निर्णय को वापस लेने के लिए कहा है। और हमारा यही निवेदन रहेगा कि कोरोना में जो संकट काल में जो लोग जो महामारी से जूझ रहे हैं वो कोई घूमने के लिए गाड़ियों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो जो गाड़ियां हैं जो वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है वो कोविड-19 के मद्देनज़र हो रहा है। तो फिर भी यहाँ पे जो टैक्स है, आयात शुल्क है, उसमें अत्यधिक वृद्धि की जा रही है, जिसमें करीब 50 रुपये तो टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है और जो पेट्रोल डीजल है उसकी मार जो है आम जनता को बढ़ रही है। तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि केंद्र सरकार ये निर्णय वापस ले जाए। बल कांग्रेस कमेटी बल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बल के एसडीएम महोदय जी के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को एक ज्ञापन भेजा जिसमें बल कांग्रेस ने मांग की है कि जो महंगाई आजकल इस महामारी जो फैली हुई है पूरे देश में, उसमें जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसमें केंद्र सरकार जो है बार बार तेलों के भाव बढ़ा रही है, तो बल कांग्रेस माननीय महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहती है कि ये जो तेल की कीमतें में वृद्धि हो रही है इसे वापस लिया जाए ताकि हमारे गरीब जनता और जो हमारे गरीब भाई हैं, बेरोजगार हैं, उनको राहत मिल सके।